गाइस तो कैसे हो आप सब अच्छे हो गए। तो गाइस आप सोच रहे हो एकदम गाड़ी में कहाँ हम लोग स्टार्ट कर रही है। तो गाइस मेरे हाथ में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मैं उसे दिखाने जा रही हूँ हॉस्पिटल। मैं हूँ और ये है, मुझे लेने आ गई थी घर से, तो मैं रेडी होकर तैयार हूँ बिल्कुल। मैं वहाँ भूल गई घर पर कि मुझे लोग स्टार्ट करना है। तो हम पहुँच गए सदल्लापुर, हम जा रहे हैं कौन सा शारदा। अभी हैं ये जा रहे हैं फिलहाल, अभी वही शारदा में सदल्लापुर पहुंच गए हैं देखने के लिए। बने रही लास्ट तक, बाय बाय। इधर को जाएंगे ना, हाँ इधर को जा रहे हैं। तो गाइस देखो पर इधर को ना आराम से चलाओ यार। गाइस जैसे कि आपको पता है बारिश की वजह से बहुत कीचड़ हो रही है, रास्ते भी ऐसे हो रहे हैं। भाई आप सब कहते हो कि डेली व्लॉग क्या करो, डेली व्लॉग क्या करो, घर में क्या हो देखो। भाई एक कमरे में रहती हूँ मैं, तो बाहर जाती भी नहीं, छत पे एक आध मिनट को चलेगी तो चलेगी, वरना वो भी मतलब ही नहीं। मम्मी भी बोल रही थी तुम्हारा आने का कोई फ़ायदा नहीं है, नीचे एक कमरे में रहती हो। अब क्या करें, मन ही नहीं करता, बोर हो जाती हूँ। तो फिर ऐसी एक जगह का ही ब्लॉग क्या ही बनाए, फिर अंजू के चैनल पे भी देख लिया करो वही ब्लॉग सेम, और फिर सेम सेम डाले तो कुछ अच्छा होना चाहिए, सेम सेम डालें अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इसलिए वो बनाते तो मैं नहीं बनाती, कल उसने डाला तो मैंने नहीं बनाया, आज वो बना रही होगी, वो घर का बना रही होगी, बट मैं बाहर आई हूँ तो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो जैसे भी मैं जहां भी जाऊंगी दिखाती रहूंगी। तो गाइस पता नहीं वहां कैमरा लागू होगा या नहीं होगा हॉस्पिटल में, वैसे तो जा ही रहे हैं अब हॉस्पिटल। मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है फिर भी मैं बना रही हूँ। अब सोच रहे होगे बहुत शांति है, तो बोलूँ क्या, बस दिखाई रही हूँ। देखो गाइस पेट का दर्द तो बड़ी मुश्किल में ठीक हुआ है जाके, बहुत दवाई खाने के बाद। पहुँचने वाले हैं थोड़े देर, कौन लगता। तो गाइस मुझे पता भी नहीं रहता हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, बस सब एक सही लगे कि नवेड़ आई है, ग्रेटर नवेड़ आई है ऐसा लगे सब चीज, बस इतनी पता है। ये क्या है खंबे से लाइट के ना, ये मोइन स्पॉट डर लगे, मुझे लगता है कि चीज से ना डर हर चीज से लगे, हर चीज से डरू, गाड़ी से मैं डरू ओ तुम से तो मैं डरती हर चीज से डरू ऐसे तो। इंगे भी खोदना क्या, खोदना एक ही तो है, नौ दो हैं, एक पंडित है एक गुजर का। हाँ मैं सुननी, उन्होंने लिखा खोदना ही,
कैमरा सब बनाते हैं तो बैक कैमरा से मुझसे पकड़ा ही नहीं जाता फोन, आफत तो यही है। फिर मुझे ऐसे करना पड़ता है, फ्रंट कैमरे से बनाती हूँ मैं तो। दादरी, दादरी तो इधर से भी है, सूरजपुर नोएडा। एक बार मैं पापा के साथ आई, मतलब फैक्ट्री से पैसे लेने आई इधर के साथ, यार की वजह से रास्ता देखो कैसा है। एक बार और आई थी मैं शारदा हॉस्पिटल में ही, क्या हुआ हम रास्ता भूल गए, पापा जी के साथ थी मैं, रास्ता भूल गए उधर की साइड, फिर एक भैया को लेके गए साथ साथ, उसने बताया बेचारा बहुत अच्छा था, पता नहीं कौन था, बाइक पे थे कहीं पे आ गए, हम रास्ता भूल गए, उन्होंने बताया चलो मैं उधर की साइड से ही जा रहा हूँ मैं आपको, तुम्हें बता दूंगा। फिर हम उस मैच जो तुम मोमोज ने बता रहे, उस मोमोज वाले की उल्ली, और पता ना कोई शारदा ना है कोई और हॉस्पिटल का नाम है, मैं नाम भूल गई, हाँ भाई वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद हमने फ़ोन करा कि हम तो नीचे खड़े, तो क्या कहते हैं कि हमें तो नहीं दिख रहे, हमने हॉस्पिटल का फोटो भेजा, ये तो हॉस्पिटल है ही नहीं, नाम तो पढ़ो। जब नाम पढ़ा इधर को गए हम, तो इधर से गए हम, फिर गए हम घूम के, तीसरे गेट से तो एंट्री होती है, देखा तुमने इधर से पास पड़ जाएगा और जल्दी पहुंच जाएंगे। तो बस मैं कहना रही तुम तो भाई नहीं अपनी चलाते हैं हर टाइम, अब भी तो चलोगे इधर कोई, तो गाइस ये रास्ता वही है जहां कर हम पहले गए थे। और ये बिल्डिंग, मैं भी फ्लैट लेके ही रहूंगी कुछ टाइम बाद, फिलहाल तो वहीं पर रह रहे घर पे ही, ये कि थोड़ा पैसे वैसे हो जाए तो फ्लैट ले लें। मतलब ये छत पे भी जाते होंगे सर्दियों में, यही रहे पूरी मैया, फिर तो इन्हें ठंड ना लगती होगी, यार मेरा तो दम घुट जाएगा फिर, मैं तो रह ही ना पाऊंगी। ये तो कुछ भी ना, ये तो टेम्परेली बैंड के बड़े बड़े हैं ना, बड़े बड़े छोटे छोटे रहे ना, बहुत छोटे रहे हैं ये, मैं गई हूँ मेरी फ्रेंड रहे भाई, ऐसा लग रहा है भूल भुलैया में आ गए हों, जैसे हम ऐसा लग रहा है भूल भुलैया में आ गए हों। गाइस इधर काम चल रहा है, करंट भी 10-15 हज़ार तो रहता ही होगा है ना, देखने के लिए तो 10-15 हज़ार रेंट पे रहेंगे, इतने अपने घर रहो यार आराम से, खरीद के ही रहना सबसे बेस्ट। तो गाइस आ रही है मुझे नींद, मैं तो खाना खाया ही, तुमने खा लिया, तुमसे कही तुमने खाया ही ना, देख लो इम्प्रेस हो रहे आज तो। कोई नहीं तुम खाई हो, मैं तो खा के आई हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूंगी। कभी जगत फार्म ना हो गई यार, तो गाइस मैं कभी जगत फार्म नहीं गई, यहाँ को 3 महीने हो गए, सपने दिखाते दिखाते कहीं घूमने चलेंगे अभी तक नहीं गए,
अब देख रहे हैं पापा जी बोल रहे हैं वैष्णो देवी जाने के लिए, उन्होंने कुछ बोल रखा था, बट ये भी नहीं पता मेरे लिए, इनके लिए, किसके लिए बोल रखा था। बट अब कह रहे हैं पापा जी कि चलेंगे, कुछ बोल रखा है मैंने, तो चलो। अब मुझे तो लगता है कि मम्मी के लिए बोल रखा होगा, इतने दिन बाद मम्मी के लिए बोल रखा है तो इतने दिन बाद। गाइस पता नहीं किसके लिए बोल रखा है, पर वैष्णो देवी जाएंगे। अभी तो कंफर्म डेट नहीं है कि कब जाएंगे, पर जाएंगे जरूर। मेरा बहुत मन है वैष्णो देवी जाने का, और सबसे ज्यादा तो मेरा मन है केदारनाथ जाने का। कुछ भी हो जाए केदारनाथ तो मैं जाके ही रहूंगी, कुछ भी। हाँ, क्योंकि केदारनाथ ऐसी जगह है जहाँ बहुत सुकून मिलता है, और क्या कहते हैं खोली भी ऐसी जगह है ना, मैं कभी भी परेशान होती हूँ तो सबसे पहले मैं बाबा को याद करती हूँ, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है कि जिनको मैं, जिन पे मैं विश्वास करती हूँ बहुत ज्यादा। इंसानों पे तो करना ही नहीं चाहिए वैसे भी, इंसान तो आज मेरे मुंह पे मेरी, उसके मुंह पे उसकी, ये होता है तो पता ही है। तो खोली भी हम हर महीने जाते हैं, मैंने दिखाया अभी तक खोली का ब्लॉग, तो इस बार इसलिए नहीं है, वहां पे थोड़ी लड़ाई वड़ाई छिड़ रही है पलवल साइड में, तो इस वजह से नहीं गए। जाएंगे बट सोच रहे हैं खाटू श्याम जाने का प्लान कर रहे हैं, देखते हैं कब जाते हैं, मैं दिखाऊंगी जरूर। क्यों रोक रहे हो, क्यों रोक रहे हो? तो गाइस हम आ गए हैं उससे थोड़ी सी पहले, क्या हाल भाई जी? पहुंचने वाले हैं, काफी टाइम लग रहा है बट पहुंचने वाले हैं, काफी दूर भी था ना रास्ता, तो मुझे पता है मुझसे पूछ लेते। अब यू कौन? सेक्टर 62 कौन? तुम्हारी तरफ। हाँ, जहाँ मायावती का पार्क है, है ना? वही है ना? हाँ मुझे पता है, मैं गई भी हूँ वीडियो बनाने, पर जब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी तो इसलिए व्लॉग नहीं बनाया। कभी जाऊंगी फिर दोबारा, बहुत अच्छी लोकेशन है, पर सर्दियों में जाएंगे, बहुत गर्मी लगे यार। ये कि अपनी गाड़ी से जाएं तो अच्छा है, उस टाइम मैं उससे गई थी ऑटो से, मस्ती करते करते गए थे हम सब। हम शारदा पहुंच गए हैं, पहुंच ही गए हैं समझो, तो ये जा रहे हैं हम शारदा, दिख रहा होगा सामने, अभी तो बन ही रहा है, है ना? छुट्टी हो गई शायद, और देख रहे हो कितनी तेज आ रहे हैं, आराम से चलाओ, ट्रैफिक भी काफी है। पार्किंग में लगी गाड़ी, कोई दिक्कत ना। देखो यहाँ भीड़ कितनी लग रही है, देखो कोरोना किसी का है तो गाइस देखो वो यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके एक फ्रेंड है, उसने बता दिया कि भाई यहाँ करवाने में कोई फायदा ना हो, स्टूडेंट ही करते हैं, पहले कभी कोई दिक्कत हो बाद में, इस वजह से हम जा रहे हैं कहीं और दिखाएंगे। अब जहाँ भी जाएंगे दिखाती हूँ, जहाँ भी जाएंगे दिखाऊंगी। तो अभी पता नहीं कहाँ जाएंगे, शारदा ये जिसमें ये वो है जहाँ पढ़ते हैं बच्चे। तो गाइस अभी पता नहीं है कंफर्म कि कहाँ है, कहाँ नहीं कुछ भी, अब जो भी होगा अब बता दूंगी मैं। तो गाइस पहले जा रहे हैं हम जगत फार्म, वो देख देख ऐसे देखी तुमने कभी? मैंने देखी, आप देख तो ली नो देख। देखो रॉन्ग साइड लाई है आदमी, मुझे तो इतना डर लगा। देखो गाइस तो थोड़ी आराम से भी चल सके, ये लड़ा होरन ही होरन।
गाइस जिसकी वजह से आवाज भी थोड़ी प्रॉब्लम है, पहुंच गए जगह तो पार हो गाड़ी में पार करी है। तो गाइस देख सकते हो जगह पार है, मुझे तो लग नहीं रहा जगह पार है। जगत फार्म क्या है, जगत फार्म में जो तो कई दिन खा भी ना लगा, इससे अच्छा तो हमारा गाजर। तो गाइस मैं बैठ गई गाड़ी में, जगत फार्म ये सारे ही तो गाइस अब हम कहाँ जा रहे हैं, जगमोहन के तो पता नहीं गाइस, मुझे तो लगता है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में डर, क्या करें। पहले वहां दिखा लेते हैं फिर उस डॉक्टर के पास ही चले जाएंगे, काफी अच्छा डॉक्टर। देखो गाइस आपने नहीं देखी होंगी, देखी होंगी बट मैंने पहली बार देखी है। तो गाइस देखो, तो गाइज इन्होंने अपना पनीर का मंगाया था, मैं तो आलू को खाती हूँ। देखो गाइज दांत कितना बुरा लग रहा है यहाँ पे, छी इसे पानी से वॉश करूँगी, दही गिर गई। तुम्हें पता है मैं बेसब्र होके खाती हूँ, खाने का तो बिल्कुल मन नहीं था बट इन्होंने बोला बहुत अच्छी बनाते हैं, मुझे लगा सच में अच्छे होंगे, इससे अच्छे तो मैं घर ही बना लेती हूँ। मैं भी एक शॉप खोलूँ ना तो बहुत चलेगी मेरे पराठों की। तो गाइज अब हम जा रहे हैं दादरी, अभी हम ग्रेटर नोएडा थे। अतुल भाई को फोन ना करो, तो गाइस इनके दोस्त हैं, अभी मत पूछना कि अतुल भाई कौन है, इनके दोस्त हैं। लोग अगर मिले तो दिखा दूंगी लोग में। गाइस मेरी आंखें वाला इन्फेक्शन शुरू हो गया है, बस मैं और भाभी और भैया बच रहे थे, और अंजू अंजू की तो भी बची नहीं है, तो मेरी तो एक आई गई है, इतना बुरा लग रहा है ना बस पूछ मत। ये चश्मी लगा रखे हैं, एक रास्ता ही बंद है, छेद में तो है यार यार। मतलब गाइस इतनी गर्मी हो रही है बाहर, इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर है। तो वहाँ कूलर में बैठी मैंने सोची जगत फार्म कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ अंदर बैठ कर खाएंगे हर चीज़ अच्छी होगी, तो भैया बहुत बुरी चीज़ है। तो गाइस बहुत अजीब है, मेरे हिसाब से तो मैं इसे एक नंबर भी ना दूँ जगत फार्म, इससे अच्छा तो हमारा दादरी है, गाजियाबाद है, ये सब चीज़ है, यहाँ को तो मैं एक नंबर नहीं दूँगी, बहुत ही बेकार है। सब बोलते हैं जगत फार्म जगत फार्म जगत फार्म दूँ, मैं तो कभी ना हूँ, मैंने देखा नहीं था ना, तो मैं भी यही सोचती थी, पता नहीं यार कैसा है जगत फार्म, देख लिया। तो गाइस ये नहाए नहीं थे, नहाए थे तुम? मेरी कसम अच्छा नहाए थे, मैं सोची तो गाइस ये नहाए नहीं थे, नहाए थे। तो गाइस मैं भी नहाई थी, तो फोन इतना हैवी है ना मेरा हाथ दुख जाता है, इसी हाथ में दिक्कत है और यही हाथ से पकड़ा जाता है मुझसे फोन, और यही वाला हाथ दुख जाता है। तो देख लो गाइस मैं क्या करूं, ऐसे पकड़ना पड़ता है फिर मुझे तो। हाँ थोड़ा सा ट्रैफिक है देख सकते हो, ऐसा अच्छा लग रहा है, ये
ऐसे ये हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है, बट अच्छा ही फर्स्ट बार ट्राई किया है। आपका फोन तो नहीं पड़ता, ये रहा ले लो। गर्मी सब कह रहे इस बार, इतना इस बार तो बहुत गर्मी यार, फिर भी गर्मी में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, जुकाम वुकाम हो रहे हैं सबसे। देखो हम वापस जा रहे हैं ना, क्योंकि मैं तो मैंने बताया था आपको, मैंने कर दिया। अब हम जा रहे हैं वापस, अब देखते हैं कहाँ जाएंगे। पहले तो हम जगत फार्म गए थे तो मैंने आपको दिखाया था, अब पता नहीं कहाँ जाएंगे। अच्छे लगते रहने में तो भैया दम घुट जाएगा मेरा, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है। रॉन्ग साइड क्लियर है, रॉन्ग साइड जा, पर इस साइड पर कहां बंद है, फोटो बनवाने वाला खड़ा, फोटो जो बना रहे हैं हंसु, तो गाइस देखो काफी ट्रैफिक है। कहाँ गए हम, थिलप्ता। इसके पिछले टायर क्यों नहीं चल रही है, तो गाइस हम पहुंच गए हैं दादरी। ये हाईवे तो सब नहीं देखा हुआ, हाईवे क्या है ये, क्या है ये, क्या है पुल, पुल हाईवे कह रही, पुल जो भी समझो। दादरी 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 के लिए मुझे तो देखो कितना प्यार, ये भी तो बना, ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ इसे। हॉस्पिटल है वो जिसने मेरा पीछा ही छोड़ा था, सन्नी कौन है पता, पता जा जो सिम तुम अच्छा लगे मुझे ना पता। देखो हम जा रहे हैं क्रूज जुआन में, देखते हैं क्या कहता है डॉक्टर। या लूलू पे निकलना रही गाड़ी इतने में, अरे रुक जाओ। बेचारा धक्का लगा रहा है, दे बैठी हैं लेडीज, बेचारा बुढ़ा धक्का लगा रहा है। अब हम जा रहे हैं कहीं और,
अब सीधे कहाँ ले रहे हो, इधर ले लो। गाइस अब हम जा रहे हैं तीसरे हॉस्पिटल में, तीसरे हॉस्पिटल में देखते हैं। पहले पेट्रोल गिरवा लो ही, पहले पेट्रोल गिरवाएंगे फिर जाएंगे तीसरे हॉस्पिटल में। पहला क्रूज डिवाइन एक जगमोहन है, सब जगमोहन फगमोहन सब मर गए। नहीं अंकल जी जिंदे हैं अभी तो, कभी देख लेंगे। तेल गिरवा लिया है और जा रहे हम उधर से ही निकल जाएंगे घर के लिए भी। गाड़ी लेकर आओगे तुम्हारे तो ऐसी हो जाएगी धूप में, पसीने पूछते पूछते ले है आके इसी में लेट देगा। अतुल पे कौन सी गाड़ी है, अतुल भाई पे? हाँ मैंने देखी है इधर तो। ओ इधर को मत रहो तुम मत ले हो इधर को, ये डर लग है यार यार, देख रहे हो गाइस नाला है बिल्कुल, तो बड़ा डर लग है। सोच रहे होगे मैंने चुन्नी क्यों ढकी है सिर पे, क्योंकि सामने मेरी ससुराल है। सामने नहीं मतलब अभी दिखाऊंगी किधर है, पास ही मैं, पर यहाँ कोई आते रहते, मार्केट सब की है ये सेम, और कोई देख ले तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये तो नहीं बोलते पर मुझे तो करना पड़ता है ना। एक ही बोल, एक ही होता है कि हस्बैंड बोल रहा है तो करो, मैं ना तो जैसी हूँ वैसे चल जहाँ भी चल रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। इन्हें प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी नहीं है फिर, बस यार थोड़ा सा पहुँचेंगे तो साइड से निकलेंगे तो अच्छा लगता है। ये हट जा यार, तो रोंदा खिला रहा होगा तेई, देखा होगा ये वो चीज, बस फिर गाड़ी में ये वो चीज, फिर गाड़ी में फिर मेरे सिकल देखने को मिल रही होगी, वो चीज ब्लॉक है क्या, यही रहता है। कुछ नया हो तो मैं दिखाऊंगी, अब डेली ब्लॉक करना है तो यही रहेगा अब तो, मतलब एक दिन छोड़ गया है ब्लॉक, ऐसे बनाया कल भी, जैसे आज नहीं आज बना लिया तो कल नहीं बनाऊंगी परसों बनाऊंगी, ऐसे आएगा मेरे को। ये कौन सी गाड़ी है, आगे भी है बड़पुरा का रास्ता, बट हम बाहर रहते हैं ना बड़पुरा से, तो इधर से भी है दो रास्ते हैं, है ना। तुम्हें गेट वन वाले नहीं चाहिए उधर भी सबको मिलके, मतलब बड़पुरा का गेट। हाय करो, तो रुक जाओ रुक जाओ भैया रुक जा, क्यों हमारे हाथ में रुक दे रहे हो गाइस, देखो
पहुंच गए हैं। अब मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, उनके दोस्त काफ़ी रहते हैं तो हॉस्पिटल में, तो मुझे लग रही है शर्म। तो गाइस ये गए हैं, मैंने पहले ये भेजा है, मैं तो जा नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा शर्म। तो गाइस मैं बाहर खड़ी हो जाऊँगी, मैं जाऊँगी यार, बहुत अजीब सा लगता है। तो गाइज मैं डॉक्टर को दिखा के आ चुकी हूँ, भाई उसने तो मेरा दम निकाल दिया, बट यार देख रहे हो कितना स्वेलिंग आ रही है एकदम, देखो कह रहा है कैसे चली जाएगी, बट अब पता चलेगी कैसे जाएगी, कैसे निकाल दिए खड़ी। और हम अभी इनका वेट करें दवाई लेने गए, मेरी दवाई लिखी है भाई काफ़ी दर्द हो रहा तो हम यहाँ आए दादी। तो गाइज देखो अच्छी नहीं होती देती इनको पोस्ट करना, वो पर्ची काटता है अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं गई थी। अभी तो वेट कर दूँ थोड़ी देर में आएंगे, तो गाइस मिलते हैं गार्डन बैठ के, मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है। तो गाइस ये मेरी दवाई लेके आ गए और हम निकल रहे हैं घर के लिए, ये मुझे छोड़ के दोबारा आ जाएगा क्योंकि ये तो बड़ भाई रहते हैं आप सबको ही पता है, मैं अपने घर जाई हूँ तो मुझे वहाँ छोड़ के फिर आएँगे। बेचारे कितने कष्ट करते हैं मेरे लिए, पसीने पसीने में हो रहे हैं सारे। तो गाइस हम निकल गए, मैं दिखाया था मैं निकल गए, अब हम रात रास्ते पहुँच गए हैं, तो बस पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में हम। तो गाइस मैं घर पहुँच गई हूँ, बाय, जिसमें ब्लॉग का यही एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर करिए। तो गाइस मैं घर पहुंच गई हूँ, अब बहुत गर्म लग रही है, बाय बाय।